हमारी एसोसिएशन की तरफ से एक मेमोरेंडम तहसीलदार मैडम को दिया गया है, जिसमें हमारे कुछ डिमांड्स हैं हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के लिए कि हमारे जो ड्रग्स थे जो लॉकडाउन के बाद तो जो ऐलान हो गया उसके बाद गाड़ियाँ जिधर के उधर रुक गए हैं, उसमें जो है ड्राइवर क्लीनर्स भी जो है जहाँ थे वहीं पर रुक गए, और इसी वजह से जो है हमारे डिमांड्स ये हैं कि जो क्वार्टरली टैक्स हमारे सीएम येडियुरप्पा साहब से जो है हम गुजारिश करते हैं कि वो जो है हमारे दो महीने के लिए जो क्वार्टरली माफ़ करें। हमारी अपील ये है कि कम से कम दो क्वार्टरली माफ़ करें, और जो है जो इंस्टॉलमेंट छः महीने एक्सटेंड आरबीआई से किया गया है उसको जो है इंस्टॉलमेंट तो अदा किया गया लेकिन इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है, और टोल गेट जो है लॉकडाउन में जो बंद थे ओपन होने के बाद 25% बढ़ा दिया गया है, और इंश्योरेंस ऑल इंडिया परमिट ये दिसंबर तक एक्सटेंड करें, ये हमारी अपील है। हम और क्लीनर्स और ड्राइवर्स के लिए भी जो है वो लोग भी बहुत परेशान है, उनके लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनकी कुछ मदद करें। ये बसों कल्याण के अंदर कितने लॉरी हैं? 5-6 हज़ार लॉरीज हैं, गाड़ी जो है जिधर के उधर खड़े हुए हैं। ये बसों कल्याण के जो लॉरीज जो पूरे बंद पड़ने की वजह से इस पर ज़्यादातर किस पे असर पड़ रहा है? लॉरी ओनर्स के लिए, लेबर्स भी अभी 10 महीने में 1 या 2 ट्रिप हो रहे हैं, इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम ये आ रहा है। लेबर्स लेबर नहीं है, गाड़ी जहाँ पर गए उधर ही जो है खड़े रह रहे 10 दिन 15 दिन, गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग का भी प्रॉब्लम चल रहा है उसमें, तो इसलिए हम जो है अपील करते हैं मेमोरेंडम दिए तहसीलदार मैडम को, और आपके माध्यम से जो है हम सीएम साहब से अपील करना चाहते हैं। ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ